हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 10 लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ के अपनी करियर ग्रोथ को एक नया आयाम दे सकते हैं, चाहे वो लॉ 3 ईयर हो यानी कि LLB 3 ईयर, बैचलर डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री जो 5 साल का होता है, लॉ BA LLB और वो BA and LLB दोनों कंबाइंड होता है 5 साल का, जिसे बैचलर डिग्री भी कहते हैं और लॉ की डिग्री के साथ, ठीक है, इसे समझना है ऐसे। और दूसरी जो डिग्री होती है वो मास्टर्स की होगी लॉ में, वो LLM की होती है। बट ये जितने भी कॉलेजेस मैं बताऊंगा आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके करियर ग्रोथ के लिए। सोर्स क्या है ये सब कॉलेजेस का? NIRF रैंकिंग होती है भारत सरकार की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क। हर साल ये एजुकेशन मिनिस्ट्री और भारत सरकार के अंदर में जो है वो जारी करते हैं इसको, और उसी का ये सोर्स है, वहाँ से ये डेटा लिया गया है। इसमें टॉप लॉ कॉलेज की हम बात करें, क्यों जरूरी है आपको इन सब कॉलेजेस से पढ़ना, तो मैं एक कोटेशन कहना चाहूंगा, पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, एंड ये सारे के सारे पावरफुल प्लेसेस हैं। इसमें से कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसकी अगर प्लेसमेंट अगर होती है तो फॉरेन में होती है, बहुत कम बच्चे इंडिया में रह जाते हैं। शुरुआत के कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो लॉ कंसल्टेंट अगर बनते भी हैं तो अमेरिका और बहुत बड़े यूरोपियन कंट्रीज में उनका प्रभाव रहता है। सबसे पहला है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है क्या? देखिए, क्लैट का एग्जाम किसी बच्चे ने फॉर्म भरा होगा तो वो जानते होंगे, क्लैट के थ्रू कुछ कॉलेजेस में एडमिशन होता है, ठीक है, वो लिमिटेड कॉलेजेस हैं, फी काफी ज्यादा होता है उसके फॉर्म का, बट वो वन टाइम फी पेमेंट करके एग्जाम क्लैट का दे सकते हैं जितने साल तक वो एलिजिबल हैं। तो ये क्लैट के थ्रू जो कॉलेजेस हैं वो हमेशा टॉप में रहते हैं, जैसे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, ये टॉप 1 पे है NIRF के रैंकिंग में लॉ स्कूल में। फिर दूसरा अगर हम बात करें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को हम शॉर्ट में NLU कहते हैं, ये न्यू दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है NLU, ये टॉप 2 में है। फिर बात करेंगे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की, लॉ कैंपस की अगर बात करोगे तो CLC जिसका एग्जाम मैंने क्रैक किया था, कैंपस लॉ सेंटर, वो भी अच्छा प्रभाव है, जहां के स्टूडेंट थे अरुण जेटली, और लेकिन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे उसकी क्या रैंक है। नालसार अगर बात करें NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद 3rd नंबर पे है। द नेक्स्ट इज द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज, ये रिसर्च के लिए काफी फेमस है, जुडिशियल रिसर्च जो होता है, आप हायर एजुकेशन जुडिशियरी में भी LLM और उसकी PhD इन सब यूनिवर्सिटीज में काफी अच्छी होती है, तो ये कोलकाता में है। फिर द नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर का जो लॉ फैकल्टी है या लॉ डिपार्टमेंट जो कह लो, खड़गपुर में ये 5th नंबर पे है एकेडमिक एक्सीलेंस में। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, इट इज ऑन द 6th प्लेस। 7th जामिया मिलिया इस्लामिया, 8th नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। बात करेंगे सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, ये 9 नंबर पे है, और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा में जो लॉ फैकल्टी है वो 10 नंबर पे है। अब तो ये टॉप 10 हो गया, इसमें से काफी ऐसे नाम होंगे जो शायद आपने पहली बार सुना होगा, जैसे JMI के बारे में आप लोग जानते हो, IIT खड़गपुर आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग इस बात से हैरान भी होंगे कि IIT खड़गपुर में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट और लॉ के सब्जेक्ट कैसे आ गए। तो ये है, अब इंटीग्रेटेड स्टडी होती है, और जिस तरीके से जमाना बदल रहा है कहीं भी आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल जाएगा, नए नए सब्जेक्ट इमर्ज के आ रहे हैं, तो जो भी गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है उसमें डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबके अपने अपने प्रोविजन हैं, और जो भी चाहे वो ऑटोनोमस होते हैं, वो लॉ फैकल्टी हो या कोई सोशल साइंस फैकल्टी हो या रिसर्च फैकल्टी हो, वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि उसके बावजूद ये टॉप रैंकर है, IIT खड़गपुर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर बात करेंगे हम लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, NLU की बात करें तो दिल्ली, जोधपुर और हैदराबाद, ये बेंगलुरु, ये 3 टॉप में आ रहे हैं, जो कि हर साल क्लैट के बच्चों का सबसे फेवरेट प्लेस होता है। अब बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो बच्चे लॉ पढ़ते हैं अलीगढ़ में है उत्तर प्रदेश में, ये रैंक 11th है, और 12th है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है,
ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका मैं खुद स्टूडेंट हूँ, ये 23rd प्लेस पे है। अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी, तो BHU 3rd प्लेस पे है, बट सेपरेट लॉ फैकल्टीज अक्रॉस द इंडिया अगर बात करें तो BHU का 23rd प्लेस आता है और इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ये 22nd नंबर पे आता है, है ना। तो टॉप 10 हमने देख लिया और लास्ट के दो जो हमारे फेवरेट डेस्टिनेशन नॉर्थ इंडियन बच्चों का है उसको भी हमने देख लिया। सो वी शुड मूव फॉर द नेक्स्ट, आपके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी इसमें से बेस्ट होगा। इसमें से काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही तो मीन्स लाखों में नहीं है, फी और सब नॉर्थ इंडियन कॉलेजेस से ज्यादा है। जैसे BHU में अगर आप लॉ पढ़ते हो तो इसकी फी मात्र 2 से 3 हजार है, आपको जान के ये आश्चर्य लगेगा। 2 से 3 हजार में आपका एक साल का फी है, जो गवर्नमेंट फी स्ट्रक्चर है मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन इन सब सारे कॉलेजेस में ये चीजें नहीं है। तो जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं उनके लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा हो जाता है, तो BHU है। BHU में कैसे एग्जाम पैटर्न है, कैसे एग्जाम लिए जाते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, BHU लॉ फैकल्टी एंड BA LLB यानी कि 5 ईयर जिसे ब्लैट भी कहते हैं, ये स्पेसिफिकेशन सिर्फ BHU में है कि BHU क्लैट के तर्ज पे अपना एक इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स ओपन किया गया था, लगभग 4-5 साल 6 साल हो गए होंगे, और उसकी प्लेसमेंट क्लैट के इक्वल होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो BHU में अगर आप लॉ 3 ईयर करो या 5 ईयर करो, दोनों इसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। आप इंडिया के, नॉर्थ इंडिया की मैं बेसिकली बात करूंगा अभी, नॉर्थ इंडिया में जितने भी जजेज हैं उसमें से मैक्सिमम किसी ना किसी ने या तो वो अपना लॉ की बैचलर डिग्री यहाँ से लिए रहते हैं या मास्टर्स डिग्री लिए रहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे कहता है। तो अगर आप पढ़ते होंगे तो आप इस बात को भली भांति जान रहे होंगे, लेकिन जो लॉ फैकल्टी है यहाँ की काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, काफ़ी जुडिशियरी में काफ़ी अच्छा रोल है, कई ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स भी रहे हैं, वैसे भी BHU का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है नेशन बिल्डिंग में, हर क्षेत्र में, मैं सिर्फ लॉ फैकल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन रहता है BHU। इसके अलावा न्यू दिल्ली के कॉलेजेस, कैंपस लॉ सेंटर की मैंने बात की थी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी UP, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, ये सब फेवरेट डेस्टिनेशन है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषी बच्चे हैं, जो ओनली इंग्लिश हैं या अच्छे घर से हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, वो चाहे तो इनमें से किसी में भी एडमिशन लेकर के अच्छी करियर ग्रोथ के साथ लॉ को अपना करियर चुन सकते हैं। आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि अगला वीडियो आपको कौन से कॉलेज पे चाहिए, इसमें जो आप चाहते हो, डेफिनेटली वी विल मेक इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।